वीडियोस के लेट होने के कारण मैं आपको बताना नहीं बल्कि आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके वजह से व्लॉग बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा हो चुका है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है मैं नेक्स्ट डे निकलता हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और मैंने सोचा आज वीडियो बनाते हैं श्रीरामपुर घाट बलिया की। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ मुझे ये देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण सारी की सारी मिट्टी बह चुकी है, व्लॉग इम्पॉसिबल। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश एंड वेलकम टू माय न्यू फूड ब्लॉग। और मैं हूँ इस समय बलिया में, और यहाँ पे एक काफ़ी फेमस शॉप है डोसा की, जो काफ़ी अच्छा डोसा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आया हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। सो लेट्स सी कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं, आई विल ऑल शो यू। तो फिलहाल मैं हूँ अभी दुकान पर, दुकान का नाम है, कुछ नाम ही नहीं है, मतलब सिंपल दुकान है। इसकी जो मैं एक बार लोकेशन आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, ये बलेश्वर मंदिर वाला रोड है, और यहाँ से सामने पीछे हनुमान जी का मंदिर है। ठीक इसी टी पॉइंट पे ये शॉप लगती है, जो कि काफ़ी ओल्ड, काफ़ी दिनों से शॉप लगती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर किया है वो है ऑनियन डोसा ऑर्डर किया है, इसको हम खाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट अच्छा नहीं है इसमें, फिर भी एक्चुअली जिस हिसाब से सोच रहा था उस हिसाब से टेस्ट बढ़िया नहीं है। सांबर टाइम लगे अच्छा नहीं है। नारे की चटनी में टिक नहीं है। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी डोसा वाली, जो कि लास्ट वीडियो देखी होगी, वो जो डोसा था वो काफ़ी अच्छा था, इससे ये उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। यहाँ से डोसा खाया है, लेकिन देखते हैं अब कहाँ जाने का टाइम मिलता है। अगर हो सकेगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, बलिया की जो स्टेशन रोड के सामने वाली मार्केट है कैसी है। अदरवाइज नहीं तो लेट्स सी कहाँ का मौका मिलता है। अगर कोई दूसरा फास्ट फूड अगर देखने को या फिर ट्राई करने को मौका मिलता है तो मैं वो भी आपको एक बार शो करूँगा। ठीक है, डोसा तो मैंने हालांकि ट्राई कर लिया, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं लगा। इसके अलावा देखते हैं, अगर कुछ और अच्छा खाने को मिलता है तो आई विल डेफिनेटली शो यू, बट इस डोसा वाले ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। तो इसका नाम है विकास चाट भंडार, तो नहीं कहूँगा, आई विल नॉट सजेस्ट यू। तो चलिए फिर अभी इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, कि मैं अपने नेक्स्ट फूड डेस्टिनेशन की तरफ ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अभी जो फ़िलहाल मैं हूँ स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के जो सामने वाला रोड है उस वाले रोड पर है, और यहाँ पे काफ़ी फेमस शॉप है जिसका नाम है स्नो वाइट। मेरे देख सकते स्नो वाइट है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, काफ़ी एक्चुअली क्या है, मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा हूँ
स्नो वाइट की वीडियो के लिए। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आप इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और जो कि स्ट्रीट फूड के, और मैं हूँ यहाँ पे अभी इस चौराहे के पास। यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है चॉकलेट फज, और यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ कुछ चॉकलेट या फिर आइसक्रीम, और लेट्स सी कि कैसा है इसका टेस्ट, और मैं उसको रिव्यू करके आपको बताता हूँ ये प्लेस कैसी है। तो चलिए एक बार देखते हैं कौन सा मैं यहाँ पर ऑर्डर करता हूँ और उसको मैं टेस्ट करता हूँ, फिर देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है वो है मिल्क कॉर्नीटो, और इसको मैं ज़रा टेस्ट करता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कैसा है टेस्ट। हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, आई होप पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो लेट्स ट्राई। जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये जो जगह है ये कासिम चौराहे के पास में है, अगर आप आते हो तो यहाँ पे फोन ट्राई कर सकते हो। टेस्ट इज वेरी ऑसम। और अभी तो शायद आवाज़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन आई होप मैं ट्राई करूँगा दो तीनों दिनों बाद जब यहाँ पे शोर नहीं हो, क्योंकि अभी नवरात्रों का सीजन चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी इतनी साफ नहीं आ रही है। तो मैं दो तीन दिनों बाद आऊँगा और ट्राई करूँगा यहाँ पे दो तीन तरीके के और जो मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे, और आपको बताऊँगा। हालांकि ये जो मिल्क वाला कौन था काफ़ी अच्छा टेस्ट है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की क्वालिटी यहाँ बलिया में भी मिल सकती है, बट मैं बहुत ही हैप्पी विद द टेस्ट। दिस प्लेस काफ़ी अच्छी जगह है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।